भागलपुर की बेटी ने किया कमाल। पंकज त्रिपाठी मनोज बाजपेयी के बाद अब भागलपुर की सुष्मिता सहेला फिल्म जगत में दिखा रही अपना जलवा। ओ माय गॉड, केके पाठक का सिंघम वाला रूप कैमरे में हुआ कैद। माँ को बोली बगल से आ रही हूँ, इधर हो गई प्रेमी के संग फरार। नशा मुक्ति अभियान को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी ने निकाला जागरूकता अभियान, लोगों को नशा से दूर रहने की दी हिदायत। महिलाओं की बीमारी पर आयोजित हुए सेमिनार, अलग अलग राज्यों के डॉक्टर ने साझा किया अपना अनुभव। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर की बेटी ने किया कमाल। पंकज त्रिपाठी मनोज बाजपेयी के बाद अब भागलपुर की सुष्मिता सहेला फिल्म जगत में दिखा रही अपना जलवा। सोनी टीवी पर आने वाले सीरियल मेरे साई, कथा अनकही सहित कई सीरियल में काम करने वाली भागलपुर की बेटी सुष्मिता सहेला अब किसी परिचय की मोहताज नहीं। यूं तो भागलपुर ने पूरे भारतवर्ष में कई चीज दिए हैं, चाहे खेल का क्षेत्र हो, फिल्म जगत हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, भागलपुर की बेटियां किसी से कम नहीं। मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी के बाद अब भागलपुर की बेटी मुंबई में धमाल मचा रही है। भागलपुर तिलका मांझी की रहने वाली सुष्मिता सहेला ने बताया कि पहले उन्हें कई छोटे छोटे एड में काम मिलता था, तब जाकर ये मुकाम उन्हें हासिल हुआ। लगातार अपने अभिनय के दम पर भागलपुर तिलका मांझी की रहने वाली सुष्मिता ने मुंबई में अपनी पहचान बनाई और टीवी पर आने वाले कई सीरियलों में उन्होंने काम किया। सुष्मिता ने कहा, मैं भागलपुर के माउंट कार्मल स्कूल से अपनी पढ़ाई की हूं और स्कूली पढ़ाई के समय से ही मेरा सपना था टीवी और बड़े पर्दे पर आना, साथ ही मेरा सपना है बड़े पर्दे पर कई ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की। सुष्मिता ने अपने सफर के बारे में बताते हुए कहा कि मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना पाले हुई थी, लेकिन बिहार से होने के नाते मैं अपने घर वालों को सीधे तौर पर ये नहीं कह पाती थी कि मुझे फिल्म में काम करना है। इसके लिए मुझे निफ्ट की मदद लेनी पड़ी। यहाँ से पढ़कर पहले मैं डिज़ाइनर बनी, कई एक्ट्रेसेस व टीवी सीरियल के कलाकार के यहाँ डिज़ाइन का काम किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियल में मौका पाकर अपना अभिनय दिखाया और अभी मैं कई सीरियल्स में काम कर चुकी हूँ। वहीं उन्होंने बताया कि मैं सोनी टीवी पर आने वाले धारावाहिक मेरे साई, कथा अनकही सहित कई सीरियल्स में काम कर चुकी हूँ। अब आने वाले सीरियल्स कथा में मैं भी बहुत जल्द लोगों के बीच दिखूंगी। So I think my journey was difficult, but मुझे लगता है कि चूंकि मेरी जो सफर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एजुकेशन, हो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में एजुकेटेड नहीं है सो सॉरी यू कैन नॉट गो अहेड इन लाइफ। बहुत चूंकि मेरी पढ़ाई कामल से होने के साथ साथ, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ कामल, देन आई डिड माई निफ्ट फ्रॉम बैंगलोर और उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी बॉम्बे में किया। सो इट वाई इट वॉज ईजी, मैं हमें बार बार यही बात कह रही हूँ कि मेरा सफर मुश्किल नहीं रहा है, बिकॉज ये सब चीज़ों ने मेरी मदद की है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टडी फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू कैन यू नो शाइन लाइक अ स्टार। आज मुझे वहां पे कभी ये किसी ने नहीं कहा होगा कि अरे ये कौन है, कहाँ से है। So when somebody say, okay, Bihar se ho, I proudly say that, yes, I am from Bihar. And Bihar is a city which has given so many things. Aap log sab jante hain. So that's the thing. Susmita, kis television? 2019 se meri journey ki shuruaat hui hai. Jab main ads karti thi, chote ads karti thi. Uske baad maine kuch cameos bhi kiye hain, kuch serial mein, Subhanallah. और भी सीरियल्स जिसमें मैंने कैमियोज का काम भी किया है। बट अगर इम्पैक्टफुल जर्नी की अगर हम बात करेंगे तो वो जर्नी शुरुआत हुई थी मेरी मेरे साई, सोनी टेलीविजन मेरे साई से। और साई के आशीर्वाद से, मैं यही कहना चाहूंगी, साई के आशीर्वाद से आई गॉट कथा, एंड कथा हैज बीन द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज दैट वॉज द रोल विच मेड मी रियलाइज दैट यू नो आई एम अ एक्टर विथ इमोशंस। Why? Because I was playing a character which had navras in it, all the emotions. अगर आप emotions की बात करेंगे तो sad से लेकर, खुशी से लेकर, pain से लेकर, दर्द से लेकर, उदासी से लेकर, हर चीज मुझे emote करने का मौका मिला। और ये बहुत कम actor को ये चीज मिलता है कि आप हर emotions को emote कर सकें। So I'm very grateful and I'm very thankful कि मुझे वो किरदार मिला। लगता है कि मैं कोई भी किरदार बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ।
बिकॉज एक्टर का काम यही है कि आपको जो भी किरदार मिलेगा आप उसको प्लीज अच्छे से जिए, आपको एक्टिंग नहीं करनी, आपको जीना है उस किरदार को. एंड दैट थिंग मेरा परिवार और मेरा मेरे पिताजी, माय फादर हैज बीन अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर मी. और बहुत कम लोगों के माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो बच्चे चाहते हैं वो उनको कराया जाता है. सो आई थिंक माय फादर, आई एम थैंकफुल टू हिम टुडे आल्सो एंड फॉरएवर इन माय लाइफ, कि जो मैंने चाहा, जैसा मैंने चाहा, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है. तो एक गार्जियन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो सपोर्ट. बहुत बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं बिकॉज वो गार्जियनशिप की कमी होती है, या बच्चे अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं. बट मेरे पिताजी की वजह से मैं आज जहां पे भी हूँ, और मेरी माता जी का तो योगदान है ही, वो दैट्स अनपैरेलल, उसका कोई अतुलनीय है वो चीज. मगर मेरे पिताजी ऐसे रहे, बींग अ गर्ल, बींग अ डॉटर, ही नेवर थॉट कि एक लड़की है वो बाहर कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी. वो हमेशा यही इनकरेज किए कि मेरी बेटी को ये करना है तो उसको वो चीज करेंगे, और वो जिस भी फील्ड में जाए उसमें उत्तीर्ण करे. सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम. और मैं ये कहना चाहूंगी, हर बेटी को ऐसे पिता मिलने चाहिए जो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके. सो मैं कथा अनकही में काम कर रही थी सोनी टेलीविजन पे, एंड दैट इज आई थिंक दैट शो, क्योंकि बचपन से हमने टीवी देखा है, और बचपन से मैं टीवी देखती थी, तो मैं एक हमेशा सोचती थी कि एक दिन मैं भी शायद टीवी में काम करूंगी. तो आई थिंक टुडे व्हेन आई एम वर्किंग इन दैट सीरियल इज नॉट जस्ट अ सीरियल, इट्स अ आई मीन, वो सीरियल के बारे में मैं क्या बोलूं, उसके जैसा शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन नहीं आया. कथा अनकही इज द नंबर वन शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन आई वुड से. एंड जो मुकाम कथा अनकही ने पाई है, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल, दैट्स इनक्रेडिबल, बिकॉज आई थिंक द डायरेक्टर जो उनके थे, आई मीन ही वॉज फैंटास्टिक. ओ माय गॉड, के पाठक का सिंघम वाला रूप कैमरे में हुआ कैद. विद्यालय की लचर स्थिति देख प्रधानाचार्य का रोका वेतन, कई शिक्षकों को दी चेतावनी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का सिंघम वाला रूप अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस खबर में साफ तौर पर देख सकते हैं, उनका सिंघम वाला रूप कैमरे में कैद हुआ है. इनका ये रूप देखकर आप दंग रह जाएंगे. विद्यालय की लचर स्थिति देखकर प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षकों की बोलती उन्होंने बंद कर दी. उनका गुस्सा सातवें आसमान पर तब चढ़ा जब उनकी नज़र स्कूल के गंदे शौचालय पर पड़ी. आंगनबाड़ी केंद्र को पेड़ के नीचे चलाते देखा और एक ग्रामीण के द्वारा ये पता चला कि विद्यालय के समय बच्चे मिड डे मील का खाना खाकर पास के पोखर में थाली खुद से धोने जाते हैं. ये सब देख और सुनकर के पाठक का रूप सातवें आसमान पर चढ़ गया. इसकी कुछ तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, आइए इसे देखते हैं. किस तरह प्रधानाचार्य, शिक्षक व रसोइये को फटकार लगाई जा रही है और किस तेवर में सबों की वेतन रोकने की बात कही जा रही है. पार्किंग कर दी अपनी गाड़ी, स्कूल आपके लिए भी खुला है, आप स्कूल के लिए 50,000 हम रिकवरी भी करा सकते हैं. आप बच्चे जाते कहाँ हैं? कल से हुआ है, कल से समस्या समझा दिया आपको, सफाई कराई. बच्चे तो आएंगे ही, वहां से भी लोग बाहर से आएंगे. आप दरवाजा बंद करके जाइए ना स्कूल के बाद. दिन में दरवाजा क्यों बंद कर रहा था? आंगनबाड़ी नहीं चल रही, इधर ही ध्यान गया. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाई भैया. जनता पहले छात्र, बाद में शिक्षा. अपना चैंबर आपने ठीक करा लिया, साला बाथरूम शो. माँ को बोली बगल से आ रही हूँ, इधर हो गई प्रेमी के संग फरार. भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टीकर से 29 नवंबर को शादी के नियत से एक नाबालिग युवती का अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है.
उक्त युवती के मां ने अपहरण करने का आरोप गांव के ही सागर कुमार नामक शख्स पर आरोप लगाया है, जिसका लिखित शिकायत पुलिस से भी की है। युवती के मां ने बताया कि युवती ये कहकर घर से निकली थी कि बगल से आ रही है, लेकिन वापस नहीं लौटी। दूसरे दिन पता चला कि शादी के नियत से गांव के ही सागर कुमार ने अपहरण कर लिया है, जिसकी शिकायत लिखित रूप से पुलिस से किया है। लड़की के परिजनों की मांग है कि लड़की को घर वापस भेज दें। सबर थाना में केस किया है, मेरी लड़की को लेके भगा के चला गया। कौन लेके? सागर कुमार। इसमें हाथ है मिट्टू पासवान का, राहुल पासवान का। जब हम खोज करने लगे, जब हम उन लोग के घर पर गए हैं, तो वो लोग गाली गुप्ता दे के हमको मारने के लिए भैया दी कि मेरे घर पे नहीं आना। कौन भैया आपको? सुनील पासवान, बबीता देवी, रंजू देवी, विलास पासवान, मिट्टू कुमार। अच्छा, भगा दी। हम औरत के जाते हम भाग गए। आवेदन दिए थाना? जी, आवेदन दिया था, तो वो बोली सी रुकी, हम लड़की को ला के दे रहे हैं, तब आवेदन एक दिन के लिए रोक दिया। फिर जब उसके घर पर गए। कौन रोका? रंजू, विलास, मिट्टू पासवान। जब हम उसके घर पे फिर सवेरे होके गए कि लड़की अभी तक नहीं आई है, हम आवेदन आगे बढ़ा रहे हैं, तो पुलिस की जो करना कर लीजिएगा, पुलिस मेरे घर पर आएगा, हम हिंदू मियाँ में रेड करा देंगे, मार के आपको गिरा देंगे। कौन बोला ये बात? अभी बोल रहा डिम्पल, दीवा और बेबी, राहुल की चच्ची लोग, मिंटू पासवान, राहुल का चाचा सुनील, राहुल का पापा बबीता। लड़का कहाँ का? लड़का जो भगाने वाला है कहाँ का? वो हरियो का, बीपुर हरियो का। मरु रहता बंसी टीगर में बहुत दिन से चाचा के पास। उसका बाप विकलांग है, उसकी मम्मी मर गई है, बच्चे में वो एक ही भाई है। अच्छा, प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं आप? प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? थाना से केस कर दिए सर। आपका नाम क्या हुआ? बीबी दुलारी। पति का नाम? मोहम्मद शकील। घर बंसी टीगर। थाना सवर, जिला भागलपुर, पोईटी, बिशनपुर, जीचो। ठीक। जब अभी थाना आया, तो जब सबके घर पे गया, जिस तरीके से थाना निकल गया मेरे दरवाजे पर से, उस तरीके से सब अभी हमको रगड़ने के लिए आया, लाठी लेके, खंती लेके रगड़ने के लिए आया है, तो हम भाग के जब मैं भी आ गई तो भगा के लेके चला गया है। क्या मामला? लड़की को भगा के लेके चला गया है सागर कुमार। कहाँ का? उसमें हाथ है बोला, उसमें लड़का का मामला है। लड़की जहाँ तक है कि सुनते हैं कि नाबालिग है, और इससे कुछ दिन पहले भी एक घटना हो चुकी है, वो भी लड़की नाबालिग थी। और ये सब चीज़ जो है तो समाज पे बुरा असर पड़ता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ का सुधार होना चाहिए। लड़की अगर बालिग रहती तो वो कानून भी उसको इजाज़त देता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं। लेकिन ये जो नाबालिग है, नाअकल है, वो जो चली जाती है, ये सब चीज़ गलती है। ये सब चीज़ का सुधार होना चाहिए समाज में, और कुछ नहीं। प्रशासन से यही मांग इन लोगों का कहना है कि लड़की जो है तो घर पे आ जाए, ठीक है, और जो ये चीज़ करी से उसको जो है तो सजा दिया जाए, जो भी हो, इसलिए कि दोबारा ऐसा समाज में नहीं हो। एक दूसरे पे, समाज पे बुरा असर पड़ता है, एक दूसरे पे असर पड़ता। आज अगर एक हुआ तो उधर से भी होगा, इधर से भी होगा, वो समाज पे दूसरे हमारे घर में भी आग आवेगा, छींटा लगबे करेगा। अगर आग कहीं और लगता है तो हमारे घर में भी छींटा आवेगा, तो समाज पे बुरा असर पड़ा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद गुलफराज। क्या है आप? यहाँ के हम वार्ड सदस्य हैं। क्या नंबर? 2 नंबर। कौन ठीक कर रहे हैं? कौन ये मोहल्ला है? बंसीटीकर। थाना सबोर। नशा मुक्ति अभियान को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी ने निकाला जागरूकता अभियान, लोगों को नशा से दूर रहने की दी हिदायत। नशा मुक्ति अभियान को लेकर जीवन जागृति समिति के द्वारा आज भागलपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले सैंडिस कंपाउंड से जागरूकता रक्त संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह और मनोचिकित्सक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इन दिनों बिहार में शराबबंदी के बाद भी कई तरह की नशाओं का सेवन युवा कर रहा है, जिसको लेकर ये जागरूकता रैली निकाली गई है, और युवाओं के बीच संदेश भी दिया जा रहा है कि किसी भी तरह का नशा ना करें, नशा सेहत के लिए काफी हानिकारक है। मैं जिले का गैर संचारी रोग पदाधिकारी हूँ, और तम्बाकू नियंत्रण कोषांग का भी मैं नोडल पदाधिकारी हूँ। मैं सराहना करता हूँ जीवन जागृति सोसाइटी के पहल की,
कि इन्होंने नशा मुक्ति को लेकर के अपने ज़िले में अभियान छेड़ा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। नशा के बारे में चूंकि मैं एक मनोचिकित्सक भी हूं, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि नशा जो है ये एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी है। इसके एक सिर्फ व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, इससे पूरा परिवार पूरा समाज प्रभावित होता है। अभी भागलपुर शहर के लिए जो एक बहुत बड़ी चुनौती है वो है हमारे लिए ब्राउन शुगर, जो BS बोलते हैं, इससे जो है नई पीढ़ी इसके शिकार हो रहे हैं और ये जो है बाकी अन्य नशा से अलग है। इसके बारे में कुछ और बोलूँगा कि ये एक्चुअली नशा नहीं है, इसको आप पॉइजन बोल सकते हैं, स्लो पॉइजन है। बाकी नशा में क्या होता है कि आदमी को ज़रूरी नहीं है कि उसको नुकसान होगा या कब होगा, लेकिन ब्राउन शुगर ऐसा चीज़ है कि इससे हर जो भी इसका सेवन करेगा उसको नुकसान होना ही है। ये इतना भयावह है कि इससे एक साल के अंदर जो है व्यक्ति का वज़न जो है 5 से 10 किलो कम हो जाता है और वो बूढ़ा दिखने लगता है। तो और ब्राउन शुगर के बारे में सिर्फ 2 डोज इसको देना पड़ता है, आप किसी भी व्यक्ति को 2 डोज इसका दे दीजिए, 3रा डोज वो खुद मांगेगा आपसे, भले उसके लिए उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ब्राउन शुगर को लेकर के अभी जागरूकता अभियान की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मैं तंबाकू का नोडल पदाधिकारी हूँ, तो हम लोग की मिल करके हम लोग की सबकी जिम्मेदारी है कि तंबाकू जैसे नशे को हम लोग ज़िले को कोशिश करें कि हम लोग धूम्रपान मुक्त और तंबाकू मुक्त बनाने में सब लोग सहयोग करें। अभी एक और नशा हम बताएँ और हर आदमी इससे जो है प्रभावित होने वाला है वो है मोबाइल एडिक्शन। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी मोबाइल अभी आज की दिनचर्या की ज़रूरत बन गई है हमारी, और हमारा सब काम मोबाइल से ही होता है, बच्चे भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो ऐसे में बच्चे को हमें प्रयास करना चाहिए कि एडिक्शन से उन्हें बचाएं। बस ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं नशे में जकड़ा एक युवक है और वो नशा जंजीर के रूप में है, उसके मस्तिष्क में उसके दिमाग में एक जंजीर बंधा हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने आज नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने एक युवक को जंजीर में दिखाया कि वो नशे के जंजीर में जकड़ा हुआ है। और यह किसी भी वर्ग में हो सकता है, गरीब ही नहीं, इसमें पढ़े लिखे अच्छे घराने के बच्चे भी फंस जाते हैं और यह एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है। हमारे भागलपुर भी इसका शिकार होते जा रहा है, शराबबंदी के बाद नशा, इस तरह का नशा ब्राउन शुगर और दूसरे नशा पर जोर पड़ा है। सरकार को चाहिए कि इस पर भी ध्यान दे, जिस तरह से शराबबंदी आपने लागू किया है दूसरे नशे पर भी आन जान और प्रतिबंध लगाएं और गहन चेकिंग करें कि ताकि उसका सप्लाई बंद हो। तो सप्लाई और यूजर के चैन को तोड़ना जरूरी है, साथ ही समाज में जागरूकता देना जरूरी है कि नशा आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। जिस उम्मीद से आपको पढ़ाया है आपके फादर मदर ने, बच्चे के अभिभावक बेचैन हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी एक लाश की तरह हो जाती है जिसके बच्चे नशे के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है, मोहल्ले वाले को रहने की ज़रूरत है, वार्ड पार्षद को सचेत रहने की ज़रूरत है कि नशाखोरी का कोई भी युवक यदि मिले तो उसको उचित मनोचिकित्सक के पास ले जाएं और जो भी तरीके हैं इसको छुड़ाने का वो करें, छुपाएं नहीं, छुपाने से और बढ़ेगी। तो जीवन जागृति सोसाइटी आज नशा मुक्ति अभियान का आगाज़ कर रही है और ये लगातार करते रहेगी और आवाज़ उठाते रहेगी, सरकार के कानों तक भी पहुंचाएगी कि आप इस पर भी ध्यान दें। महिलाओं की बीमारी पर आयोजित हुए सेमिनार, अलग अलग राज्यों के डॉक्टर ने साझा किया अपना अनुभव। भागलपुर में महिलाओं की बीमारी पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में दर्जनों डॉक्टर एकत्रित हुए और अलग अलग राज्यों के डॉक्टर ने अपना अपना अनुभव साझा किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पटना से आई डॉक्टर मंजू, गीता मिश्रा गोरखपुर से डॉक्टर साधना, शहर से डॉक्टर रेखा, डॉक्टर कविता, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर संगीता मेहता, डॉक्टर पूजा यादव, डॉक्टर बीना सिंह, डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर विभा चौधरी, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर वर्षा सिंह के अलावा दर्जनों महिला चिकित्सक उपस्थित थीं। वहीं महिलाओं में होने वाली कई तरह की बीमारियों पर कई तरह की चर्चाएं हुईं। साथ ही 30 से ज्यादा बीमारियों पर किए गए रिसर्च पर डॉक्टर इमराना की पुस्तक का भी विमोचन किया गया।
चिकित्सकों ने कहा कि जब प्रसव की स्थिति आए तो अस्पताल में ही वृषभ कारण, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की जान सुरक्षित रहेगी। हम लोगों का क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि मतलब जो गहन चिकित्सा, गहन जो बहुत खराब बीमारियां, कभी कभी क्या होता है कि औरतों को जो प्रेगनेंसी के समय कभी कभी बहुत सीरियस हो जाती है, तो नॉर्मली क्या करते थे हम लोग, उनको आईसीयू में भेज देते थे और केवल आईसीयू में ही उसका ट्रीटमेंट होता था। हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं थे, ज़्यादा जानते नहीं थे। उसी की ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें क्रिटिकल केयर इन ऑब्स्टेट्रिक्स, मतलब जो गहन प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे हम लोग टैकल करें, उसके ऊपर ये दो दिन की कार्यशाला यहाँ पे और सेमिनार हुआ है, जिसमें बाहर से ऑल ओवर इंडिया और बाहर के भी, मतलब विदेश से भी लोग बाग आए हैं। और ये हम लोगों को मेनली अपडेट करने के लिए है, हम लोगों का जो जो हमारा ये मतलब गायनी सोसाइटी है, जो हमारे स्त्री लोग विशेषज्ञ हैं, उनको अपडेट करना है कि कैसे इस तरह के जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको कब कैसे आपको डायग्नोज करना है, कैसे उनको टाइमली ट्रीटमेंट करना है और कैसे उनको टाइमली रेफ़र करना। अगर आप अपने से नहीं उसको कर पा रहे हैं या आपके यहाँ उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो कैसे आपको कहाँ आईसीयू में भेजना है, या अगर आपको बाहर भागलपुर के बाहर भी अगर आपको भेजना है तो कैसे उनको वहाँ तक भेजना है। तो इसी के ऊपर हम लोगों की दो दिन की कार्यशाला थी, जो कि भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी के द्वारा कराई गई थी। ये हमारा नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉक्सी, उसके अंतर्गत हो रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मैं इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग को चेयरपर्सन हूँ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।